एपिसोड 1 में हमने इंटर्नशिप का मीनिंग, उसको अप्रोच करने का तरीका और इंटर्नशिप का मिल सकती है ये समझा। एपिसोड 2 में हमने इंटर्नशिप मिस्टेक्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर इन पर बात करी। एपिसोड 3 में कोल्ड ईमेलिंग और इसके थ्रू किस तरीके से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है वो सीखा। तो फिनाले में क्या करें, मुझे क्या पता, तू देख। इस एपिसोड में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके बाद इंटर्नशिप का चैप्टर आपके लिए कम्प्लीटली पैक हो जाएगा। हम आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। दैट्स अवर ट्राई। अरे वाह, बढ़िया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोल में क्या दिक्कत है भाई? पहले तू मुझे ये बता, ये इंटर्नशिप एग्जैक्टली होता क्या है और इसका इतना हुआ क्यों मचा हुआ है मार्केट में? भाई इंटर्नशिप एक लर्निंग मेथड है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट काम को करते करते सीखता है और इसमें काफी मजा आता है। अब हर स्टूडेंट चाहता है कि वो इसी तरीके से काम सीखे और लाइफ में आगे बढ़े। अब इंडिया में स्पेशली यहाँ पर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस का मैं जो इंटर्नशिप ऑफर करती हैं और जहाँ पर सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होगी, वहां पर किसी भी चीज का हुआ तो बनेगा ही। बस यही एक रीजन है कि इंटर्नशिप एक बजवर्ड है और स्टूडेंट्स इसके लिए काफी लुकआउट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज और बता, मैं इंटर्नशिप करूँ ही क्यों? मेरा फायदा है क्या उसमें? भाई जब तू स्कूल की दुनिया से कॉलेज की दुनिया में आया तो तुझे कैसा लगा था? उसी तरीके से कॉलेज की दुनिया और असली दुनिया भी काफी अलग है। और अब तुझे काम ही जब असली दुनिया में करना है तो इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे तू असली दुनिया से अपने आप को फेमिलियर कर सकता है। जस्ट द सेम वे तूने कॉलेज में रहकर अपने आप को कॉलेज की दुनिया से फेमिलियर किया, उसी तरीके से इंटर्नशिप एक तरीका है जिसके थ्रू तू अपने आप को रियल वर्ल्ड से फेमिलियर कर सकता है। ठीक है, अब लेट्स से तुझे वेडिंग प्लानर बनना है, बट तुझे ये नहीं पता कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, हर कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और ये सारी चीजें तुझे टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये तुझे तभी पता चलेगा जब तू वहां पे लोगों से जाके बातचीत करेगा। तो इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा तरीका है, और अगर तू ये एक्चुअली में करना चाहता है ना तो ही तू इंटर्नशिप कर, अदरवाइज सर्टिफिकेट, स्टाइपेंड, ये सारी चीज तो धरी की धरी रह जाएंगी। भाई अगर मैं चाहूँ भी तो फिर मिलती तो नहीं है ना इंटर्नशिप? भाई तुझे याद है कि तूने कहा था इंटर्नशिप जॉब का छोटा वर्जन है? हाँ, एक बार उसी तरीके से इस चीज को समझते हैं। कोई भी तुझे जॉब तब देगा ना जब तू उसकी बिजनेस, उसकी कंपनी में कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है। उसी तरीके से तुझे इंटर्नशिप भी कोई तभी देगा जब तू किसी ना किसी तरह उसे हेल्प कर पाएगा। अब जॉब में उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बट इंटर्नशिप में उनकी एक्सपेक्टेशन कम है, तो इसी वजह से तेरी कोई छोटी सी भी चीज अगर उन्हें हेल्प कर सकती है तो यू विल बी मोस्ट वेलकम एज एन इंटर्न। अब तू क्या हेल्प कर सकता है, क्या चीज हो सकती है, वो तुझे ही जानना होगा। इट कुड बी योर राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या पता तू जल्दी से चीजों को सीखकर फिर उन पे काम कर सकता है, क्या पता तू कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकता है, क्या पता तू कुछ डिजाइन अच्छा कर सकता है, क्या पता तू कुछ ऐसी आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है। तो ये चीज तुझे ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए ना तो एक बहुत अच्छा तरीका यही है कि उनके साथ जा और फ्री में काम करना शुरू कर। इससे तुझे ना उनकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी। अब एक बार तुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो तुझे ये समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पर मैं इनको इस तरीके से चेंज करके हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से ये करके इनको मदद कर सकता हूँ। तो अपने आप ही तुझे समझ में आने लग जाएगा कि क्या हेल्प कर सकता है तू। तो यही एक तरीका है जिससे तुझे इंटर्नशिप मिलेगी। इन शॉर्ट बोलूं तो तुझे उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि दुनिया ट्रस्ट पे ही चलती है। ठीक है भाई। भाई कई बार यही नहीं समझ में आता मैं इंटर्नशिप किसमें करूं। देख भाई, इसका आंसर तो छोटा सा ही है कि जिसमें तुझे मन करता है वो इंटर्नशिप कर। तेरा डिजाइनिंग का मन करता है तो डिजाइनिंग कर, मार्केटिंग का मन करता है तो मार्केटिंग कर, ऑपरेशंस का मन करता है तो ऑपरेशंस में जाके इंटर्नशिप कर, ह्यूमन रिसोर्स में मन करता है तो ह्यूमन रिसोर्स की इंटर्नशिप कर। बट जिसमें तेरा मन करे उसी में इंटर्नशिप करेगा तो खुश रहेगा, अदरवाइज तो यार मेरा मन तो हर एक में करता है, डिजाइनिंग कर लूं, मार्केटिंग कर लूं, फाइनेंस भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अरे तो क्या प्रॉब्लम है, तू हर एक में इंटर्नशिप करना, एक एक दो दो महीना हर एक डोमेन को दे, हर एक चीज में इंटर्नशिप कर। और मैंने तुझे पहले भी बताया था इंटर्न्स को हर जगह वेलकम होता है, तो तू हर जगह जा और हर चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर। भूल गया, इंटर्नशिप का तो मतलब ही एक्सप्लोर करना होता है। तो तुझे जहां जहां इंटर्नशिप करनी है उसकी एक लिस्ट बना ले और फिर वन बाय वन उनमें इंटर्नशिप स्टार्ट कर। भाई वो तो ठीक है, बट फिर लोग कहेंगे कि एक चीज पे तो रहता नहीं, सारी जगह मुंह मारता रहता है, कैरेक्टर खराब हो जाएगा भाई का। जरा टॉवल निकाल के बाहर आइए ना, मुझे तुम्हें ठीक से देखना है। हरामखोर, नालायक, हिम्मत कैसे हुई तेरी? कमाल है, खूबसूरत लगती हो। तू अंदर जाग रहा है क्या? देख, हर इंसान अपनी लाइफ में अलग सिचुएशंस पर है। अभी तू इस सिचुएशन पर है जहाँ पर तू इंटरेस्ट को फिगर आउट कर रहा है,
तो इस सिचुएशन में तुझे मल्टीपल डोमेन्स ट्राई करने पड़ेंगे। जो बात वो कह रहे हैं वो इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि तू किसी चीज से स्टिक नहीं हो रहा, तू जल्दी चीजों को छोड़ रहा है, बट इंटरनली तुझे ये पता है तू चीजों को नहीं छोड़ रहा, तू चीजों को ट्राई कर रहा है ताकि तुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको तू कभी छोड़ने के बारे में सोचे भी ना। तो लोगों को इग्नोर कर, वैसे भी लाइफ तेरी है। हाँ बात तो ठीक कह रहा है। अच्छा तूने ये तो बता दिया कोल्ड ईमेल कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, बट भेजू किसको? हाँ ये बहुत अच्छी चीज पूछी तूने, उस दिन सीनियर को मारने के चक्कर में भूल गया। जनरली लोग क्या करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को ही ईमेल करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्स आएगा, जबकि एचआर के पास पहले से ही बहुत सारे ईमेल्स आए होते हैं और बहुत सारा रिक्रूटमेंट का उनके पास डाटा होता है। इट्स बेटर कि अवॉइड करो एचआर को भेजना और जिस स्पेसिफिक डोमेन में तू इंटर्नशिप करना चाहता है उसके हेड को भेज। फॉर एग्जांपल अगर तू मार्केटिंग में इंटर्नशिप करना चाह रहा है तो मार्केटिंग के हेड को भेज और उस ईमेल में मेंशन कर कि तुझे मार्केटिंग में क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें तू सीखना चाहता है और कहां पर तू उन्हें करंटली हेल्प कर सकता है, और जब उन्हें पता चलेगा कि तू उन्हें मदद कर सकता है तो वो वैसे बहुत खुश हो जाएंगे और तुझे इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर कुछ भी समझना है तो सीधा फाउंडर को या फिर कंपनी का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो उस पर भेज देना। और ईमेल कहाँ से लूँ? वैसे तो कंपनी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, बट अगर तुझे कोई स्पेसिफिक बंदे का ईमेल चाहिए, लेट्स से मार्केटिंग हेड का या एचआर हेड का, तो तू लिंक्डइन को यूज कर सकता है। मार्केट में वैसे कुछ टूल्स भी हैं जिसके थ्रू आप लोगों के ईमेल एड्रेसेस निकाल सकते हो, बट अभी उन्हें ट्राई कर अवॉइड करने का और लिंक्डइन से ही ट्राई कर, और अगर उन्होंने नहीं मेंशन कर करना तो उन्हें मैसेज करके ट्राई कर, क्या पता वो तुझे बता दे फिर। ठीक है भाई, यार इंटर्नशिप का तो ठीक है सब, बाकी मैं फ्रीलांसिंग कर लूं तो नोट छापेंगे दिन रात। अच्छा वो तूने इसके बारे में बात किया, फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप काफी अपोजिट चीजें हैं। इंटर्न को तो काफी चीजें सीखनी है, उसे कुछ भी नहीं पता, बट एक फ्रीलांसर तो मेजॉरिटी ऑफ चीजों से अवेयर है और हर चीज को वो हैंडल कर सकता है। फ्रीलांसिंग तो तू तब स्टार्ट करेगा ना जब तुझे काम करना आ जाएगा, क्लाइंट को हैंडल करना आ जाएगा और ओवरऑल अपने आप को तू प्रॉपर मैनेज कर सकता है बिजनेस और फाइनेंस दोनों एस्पेक्ट्स में। बट क्योंकि तुझे कुछ नहीं आ रहा तो तुझे इंटर्नशिप ही करनी है। काफी सारे स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीलांसिंग बड़ा कूल लगता है तो वो सीधा स्टार्ट हो जाते हैं, बट बिकॉज उन्हें ये नहीं पता होता फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली क्या डिमांड करती है तो वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। फ्रीलांसिंग एक काफी अलग चीज है, वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है और इंटर्नशिप एक काफी डिफरेंट, तो इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग को अलग अलग रखो। अच्छा एक चीज और बता, ये तो सेल्फ प्रोजेक्ट क्या करता रहता है? भाई देख इंटर्नशिप कोई ऐसी चीज नहीं है जो तेरे को नहीं मिली तो तेरा लाइफ खराब हो गया। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं जिससे तू लाइफ में आगे बढ़ सकता है, और उनमें से एक तरीका जो मुझे अच्छा लगता है वो है सेल्फ प्रोजेक्ट। सेल्फ प्रोजेक्ट से मेरा क्या मतलब था कि अगर तुझे डिजाइनिंग में इंटर्नशिप करनी थी जो तुझे नहीं मिली तो तू डिजाइनिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें डिजाइनिंग के बारे में, वो सारी चीजों को गो थ्रू कर, एक डिजाइनर किस तरीके से सोचता है वो सारी चीजें समझने की कोशिश कर। सेम गोज फॉर मार्केटिंग, अपने लोकल एरिया में जा, वहां पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसेस हैं, वहां पर जा और ट्राई कर उनकी मार्केटिंग में किस तरीके से तू हेल्प कर सकता है। फाइनेंस में भी अपने घर के फाइनेंसिस को मैनेज करने से स्टार्ट कर, देख कहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ से इनकम आता है, क्या एग्जैक्टली एक महीने का बजट रहता है, वो सारी चीजों को कर, इससे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ऐसे ही अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट कर ले, चैनल स्टार्ट कर ले, सोशल मीडिया पे कोई पेज स्टार्ट कर ले, और सबसे बढ़िया बात ये तुझे मजा बहुत आएगा इसमें काम करने में क्योंकि तू इसे खुद कर रहा है, कोई तुझे बोल नहीं रहा इस पे करने को। वैसे तो मैं फुल ट्राई करूंगा इंटर्नशिप का, बट अगर नहीं मिला ना तो मैं सेल्फ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। सही बोल रहा तू, और कोई डाउट है तेरा? नहीं भाई सब समझ आ गया, चार एपिसोड हो गए तेरे ज्ञान मतलब ज्ञान देते हुए, अब तो सब समझ आ गया। तो जा अब काम पे लग जा, बहुत जान ले इंटर्नशिप के बारे में, ऑल द बेस्ट। अब देखो तेरा भाई फाड़ देगा इंटर्नशिप की लाइनें, लगा तुम्हारी लाइनें। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द फिनाले एपिसोड ऑफ द इंटर्नशिप गाइड सीरीज। चार एपिसोड आ चुके हैं, इंटर्नशिप की सीरीज खत्म हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। राइट फ्रॉम एपिसोड 1 आप सब ने बहुत सपोर्ट किया, इतने सारे लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, शेयर्स, सारी चीजों को देखकर आई वाज स्लाइटली शॉक्ड कि इतने सारे लोगों को ये सीरीज एकदम से कैसे पसंद आ गई, तो मैं बहुत खुश था। तो आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया, अ बिग 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और जो सबसे बढ़िया पार्ट था ना थ्रू आउट द सीरीज वो यही था कि मुझे आपके फीडबैक्स मिले, कम फीडबैक्स मिले बट जितने भी मिले काफी अच्छे फीडबैक्स मिले, जो बीच बीच में मुझसे गलतियां हुई वो आपने मुझे ओपनली बताया। मैं यही चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी हमारा ये ओपन कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाए और विदाउट हेजिटेशन हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। फ्यूचर में फिर से कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि आपको मजा आए प्लस आप कुछ सीख भी सको। इंटर्नशिप का चैप्टर आज फाइनली पैक कर चुके हैं, आपने बहुत कुछ जान लिया इंटर्नशिप के बारे में, अब जाओ एक्शन टाइम है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, इंटर्नशिप में काम करो।
जिस चीज में मन करे उसी में इंटर्नशिप करना एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो ना इंटर्नशिप के बारे में कमेंट में डाल देना। एक काम हो सके तो जरूर करना, इस सीरीज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे या जहां पर भी तुम कर सकते हो वहां पर शेयर करना। अब सारे एपिसोड आउट है, कंप्लीट सीरीज है, तो लोगों को देखने में भी ज्यादा मजा आएगा। एंड अ वेरी कलरफुल होली टू ऑल ऑफ यू। आज होली है, आज संडे है जिस दिन ये एपिसोड शूट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।